हेलो दोस्तों, मैं हूँ आराधना सिंह। वेलकम टू माय चैनल आराधना कुक हाउस। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और आलू का नाश्ता। मैंने लिया है एक कटोरी सूजी और दो उबले हुए आलू, जिसको मैंने अच्छे से मैश करके रख दिया है। चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसमें दो कटोरी पानी डाल दिया है, जितना मैंने सूजी लिया था उससे डबल पानी डाला है, इस कटोरी से ही डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालूं। पानी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें सूजी डालूंगी धीरे धीरे। इसका आटे जैसा ही डो लगाना है। हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। मैं आलू में थोड़े से मसाले डालूंगी। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। और एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालूंगी, एक चौथाई चम्मच। एक चौथाई चम्मच जीरा लिया है मैंने, मैं उसको भी डाल दूंगी। और एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी है, उसको भी डाल दूंगी, इससे स्वाद अच्छा आएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ये हमारा ठंडा हो चुका है और मैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, जिससे ये चिपके ना। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। इसको हाथों से ही प्रेस कर देंगे। मैं सारा ऐसे ही बना लूंगी। हो चुका है, मैं इसमें कचौड़ी बनाऊंगी। ये 5 मिनट तक बनेगा। मैंने इसको पलट के पका लिया है मीडियम आंच पे। ये हमारा बनके तैयार है।
इसको पकाने में 5 से 7 मिनट लगते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए हमारा बनके तैयार है, कचौड़ी हमारी बनके तैयार है। आपने बहुत कचौड़ी खाई होगी पर ऐसी नहीं खाई होगी, एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।